दिनांक 5 मई 2021 को नून हॉस्पिटल भवानी मंडी की खबर बीपी न्यूज पर दिखाई गई थी, जिसका असर हुआ है। निजी नून हॉस्पिटल जो कि जिला कलेक्टर झालावाड़ राजस्थान द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल की धांधली की पोल उस वक्त खुली जब वहां के नर्सिंग स्टाफ ने कुछ घंटों के लिए काम रोककर हड़ताल पर चले गए। तब वहां मौजूद भवानी मंडी के मीडिया को नून हॉस्पिटल में कोविड 19 संक्रमण से ग्रसित मरीजों के 3 परिजनों ने स्वयं आगे आकर अपनी पीड़ा मीडिया कर्मियों को अपनी आपबीती सुनाई। जब यह खबर बीपी न्यूज चैनल पर सोशल मीडिया पर दिखाई गई, तब नून हॉस्पिटल के प्रशासक ने आनन फानन में मेघा झा कोरोना मरीज के पति को बुलाकर उन्हें डरा धमकाकर उनसे इस पर सफाई पेश कराकर उसका वीडियो बनवाकर कुछ स्थानीय चैनलों के माध्यम से सही खबर का खंडन करवाया गया। जबकि इस खबर में खंडन की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने अपना बयान वहां उपस्थित मीडिया को दिया था वो अपनी मर्जी से दिए थे। दैनिक भास्कर के पत्रकार वसीम हेमंत यादव व बीपी न्यूज के किशोर तंवर ने स्वयं यह घटना क्रम के समय मौजूद रहे। नून हॉस्पिटल प्रशासक जानबूझकर सही खबर को गलत साबित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि निजी नून हॉस्पिटल जो कि भवानी मंडी का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है, वहां चल रही समस्याओं पर शासकीय कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए एवं कोरोना संक्रमण हो या अन्य रोगों से ग्रसित मरीजों का सही इलाज करने की हिदायत दी जानी चाहिए। ऐसे में अपनी पहुंच का लाभ उठाकर नून हॉस्पिटल मनमर्जी कर रहा है। प्रशासन को इस पर सख्ती बरतकर उचित कानूनी कार्रवाई, नून हॉस्पिटल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। 5 घंटे से बैठा हूँ, 5 घंटे से, 5 घंटे से कोई बोतल बोतल लगा रहा है तेरे घर वाली, 5 घंटे से कोई नहीं रही कर रहा मेरी माँ। कहाँ से आया आप? अपने बच्चे ने कोई बोतल बोतल लगा रहा है, दूसरे बोतल लगा रहा है। मरीज की बहुत तकलीफ आई थी, बहुत कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी के। तो 5 घंटे तक अपने बच्चे से कोई इंजेक्शन लगा रहा, 5 घंटे हो गए मुझे ले लेके उसे। सुबह 8:30 बजे एंट्री हो गई मेरी यहाँ इसमें अस्पताल में, 8:30 बजे का आ गया मैं, कैसी जाँच करी उसके बाद फिर इलाज करा, ये इलाज कराया था डॉक्टर साहब, इलाज लिखा बोल रहा हुआ। हाँ मेरी पत्नी है रहना। 5 घंटे तक गोली बोतल लेके पड़ा हुआ, हमको लगाना होता था यानी कोरोना की साँस चल रहा, वो भी उसमें वो बताया फेफड़े में इन्फेक्शन बताया 12% 25% 12% 5 घंटे हो गए मुझे बोतल सबसे गिरा, वो एक कोई धक्का दे रहा, भगो भगो तुम्हारा घर भगो, भगो तुम्हारा घर भगो, नहीं कि हमारे पैसे दे दो भैया जो जमा करे 10,000 रुपये आपको दूसरा कर लिया, पैसे भी नहीं भगो यहाँ से। कहाँ जाए आदमी जाए तो कहाँ जाए यार, हैं तेरा प्रॉब्लम बच्ची तरीके घुटते फिर कोई लगे नहीं मेरा कोई, 1 बजे का मैं लगा गुस्सा फिर गुल लगा तो कोई आई कुछ तैयार ही नहीं। मैं कह रहा लगाते भैया मैं दस दूँ पैसा ऊपर अलग हल को क्या करूँ भाई, कोई लगाने को तैयार नहीं। क्या देखा इंजेक्शन तो आते हैं वहाँ से पेशेंट के नाम से देते हैं पर में, वो आते हैं और दूसरों को जो पैसे वाले रहते हैं उनको लगा देते हैं। आज मेरी भाई सर रेमडेसिविर का इंजेक्शन रिक्वायरमेंट के लिए भेजा हुआ है और वहाँ से अप्रूव भी हो गया है और कल आ भी गया है, परंतु मेरे को 6 डोज की जगह 1 ही डोज दिया गया है, जबकि गवर्नमेंट पूरा डोज भेजती है किसी भी मेडिसिन का, परंतु उन्होंने 1 डोज भेजा मेरे को, 1 ही डोज लगाया 100 mg का, मेरे को 2 डोज भी नहीं दिए गए जबकि 6 डोज भेजे हैं गवर्नमेंट ने, वो 5 डोज उन्होंने देना कहाँ कर दिए। तो आप तो यही कार्य करते हो ना? यहाँ नहीं काम करता, मेरी मिसेज एडमिट है। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, मेघा झा पेशेंट का नाम है। मेघा, मेघा झा। आपको क्या नाम है? देव झा, देवकांत झा। निवासी भवानी मंडी। कब से भर्ती हैं? 5 दिन से भर्ती है सर। तो क्या समस्या आई उसमें? 5 दिन से भर्ती है और फिर ना सिर्फ इंजेक्शन भी इन्होंने कल दिया है, 5 दिन से ऐसे ही चालू चूल कर रहे हैं कि हमने भेज रखा है मंगा रखा है, जबकि इनके पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है फिर भी ये पेशेंट को है ना इंजेक्शन नहीं देते। वो तो पेमेंट वेमेंट सब जमा कर रखा है? पेमेंट सब जमा रखा है, पेमेंट कर रहा है पेमेंट जब उसके बाद हमने पेमेंट जमा करा 10,000 रुपये जैसे एक सुई बिल लगी हमारे, पेमेंट जमा कर ले 10,000 रुपये उसके बाद एक डोज आए थे कल भी पूरे डोज आए थे, इन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी उनके सबके डोज आए, परंतु है ना इन्होंने किसी के भी है ना एक एक डोज ही लगाया बस, बाकी के सब कुछ छोड़ दिए जबकि 2-3 डोज लगने चाहिए थे। अभी एक इंजेक्शन के कितने रुपए ले रहे हैं लोग? ये 3550 रुपये लिए एक इंजेक्शन के, 3550 रुपये उसका बिल भी अभी तक नहीं किया मेरे को। 6 लगने चाहिए लेकिन एक ही लगाए, एक ही लगा वही 100 mg का, कम से कम 200 mg का फर्स्ट डोज में लग जाता है।